नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज ये मैं दूसरी एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा किस पर्पज़ से मैं बात कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, मैं अपने चैनल के रेफरेंस लेके आपसे बात कर रही हूँ कि मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि मेरे चैनल में ऐसे व्यूज़ आना बिल्कुल बंद हो गया था। तो वहाँ पे 10, 20, 15 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं बढ़ रहा था। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि शायद मेरा चैनल फ्रीज हो गया है, दूसरों के वीडियोस देख के, दूसरों के मीन्स एडवाइस लेके मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे ये चैनल को बंद करके मुझे फिर से नए से अपना चैनल शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत मुझे व्यूज़ आने लगे हैं, मतलब सब कुछ एकदम बदल गया है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत हद तक बदल चुकी है। जैसे मेरे व्यूज़ में मैंने किसी एक का वीडियो देखा था जहाँ पे बताया गया था कि अगर आपके YT स्टूडियो में अगर आप देख रहे हो कि आपके व्यूज़, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके रेवेन्यू, एवरीथिंग, वॉच टाइम, सब कुछ अगर एरो जो हम लोग एनालिटिक्स में देखते हैं वो अगर आपका डाउन शो कर रहा है, इसका मतलब आपका चैनल फ्रीज हो गया है। और अगर आपके चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो आप उसको डिलीट करके नए से चैनल स्टार्ट कीजिए। तो उसी बेसिस में मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। पहले तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है कि एग्जैक्टली आपके चैनल के साथ हुआ क्या है, या सच में जो चीज़ बताया जा रहा है वो हुआ भी है या नहीं। देखिए, यूट्यूब में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं या चैनल में कोई प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब से एक मैसेज दिया जाता है हर तरीके की। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपकी चैनल अगर फ्रीज हो रहा है, आपकी चैनल अगर डिलीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको एक मेल भेजा जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो पहले तो आपको वो चेक करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चैनल पे व्यूज़ आना अचानक से कम हो जाता है, कभी बढ़ जाते हैं, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। कभी कभी कुछ अपने वीडियोज़ ही ऐसे होते हैं कि पब्लिक उसे देख नहीं रही है, पसंद नहीं कर रहे, तो वो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हो, कब उसे आप पब्लिश कर रहे हो। तो ये सब कुछ एक वीडियो अच्छी व्यूज़ लाने के लिए डिपेंड करता है। मेरे अभी भी कुछ कुछ वीडियोस पे अभी भी हो रहे हैं कि व्यूज़ अचानक, क्योंकि वहाँ पे मेरे तरफ से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं एग्जैक्टली जो टाइम पे मेरे व्यूज़ आते हैं या जो टाइम पे, वो मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, या काम के वजह से थोड़ा इधर उधर डिले हो जा रहा है। तो अपने चलते जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे तो हमें एग्री करनी पड़ेगी। तो घुमा फिरा के बात यही है कि चैनल झट से किसी के बातों में आके या खुद परेशान होके, फ्रस्ट्रेटेड होके उसे बंद मत कीजिए या चैनल को डिलीट मत कीजिए। आप उसमें व्यूज़ में काम करते रहिए, ये अचानक से आपके ये व्यूज़ बढ़ेंगे और वो अच्छे से आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आप वीडियोस बनाते हैं, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरे जो रेडी शॉर्ट वीडियोस के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरे जो कंटेंट बने हुए हैं उसमें लिप रीडिंग करते हैं। तो आप वो जब करते हैं ना लिप रीडिंग, तो आप खुद एक बार वीडियो बना के खुद देख लीजिए कि एग्जैक्टली आप वो बना पाए कि नहीं। लिप रीडिंग भी एक करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई अच्छी तरह से एक बार में टेक नहीं कर सकता है। तो पहले तो आप उसे ध्यान से बनाइए कि वो ये ना लगे कि वीडियो में पहले बोल के चले और आप उसके बाद जा रहे हो। उसे चेक कीजिए, वीडियो को एंगल आप सही से रखिए, और जब आप वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, वो चाहे आप अनलिस्टेड करें या पब्लिकली करें, मुझे तो उस पर कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र आया है नहीं। मैं हमेशा पब्लिकली करती हूँ, और उसमें जो हम लोग हैशटैग यूज़ कर दे ना, वो इतना ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए, 5-6 से ज़्यादा हैशटैग यूज़ मत कीजिए। जैसे आप जब हम लोग हैशटैग यूज़ करते हैं उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट फीड्स, ट्रेंडिंग, ये सब रखिए। उसके साथ जिस टॉपिक पे आप ये वीडियोस बना रहे हैं उस टॉपिक का, अगर कॉमेडी का है तो कॉमेडी,
अगर आप किसी एजुकेशनल चीज़ में दे रहे हैं या टेक्निकल किसी चीज़, तो टेक वो सारे आपके जो हैशटैग का जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो आप जब सर्च करते हो ना उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है जब उसमें आप इंपोर्ट करते हो कि किस टॉपिक में आप बना रहे हो। तो ऐसे हैशटैग सब यूज़ कीजिए कम से कम, जितना कम हो सके। और जब भी आप वीडियोज़ बनाइए, हर वीडियो में तो कभी कभी नहीं होता, कुछ कुछ वीडियो ज़्यादातर वीडियोस में ये कीजिए कि जो आप लोग टाइटल लगाते हैं ना वो शॉर्ट में बनाइए, जितने शॉर्ट में हो सके। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूज़ कर चुकी हूँ, तो उस पर मुझे बहुत बेनिफिट हुई है, मेरे सब्सक्रिप्शन में भी, मेरे व्यूज़ में भी, हर चीज़ में मुझे ये चेंजेस नज़र आए। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। कभी भी किसी की बातों में आके ना, हम लोगों ने ये चैनल बनाया है, तो किसी की बातों में आके आप चैनल को डिलीट भी मत कीजिए या चैनल पे काम करना बंद मत कीजिए। एक बार आपके चैनल को बंद करके फिर से नए से शुरू करेंगे, ये बहुत मुश्किल भी होती है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कभी कभी, क्या होता है मेरी खुद की कुछ गलती की वजह से कभी कभी मुझे भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। वीडियोस ठीक से अपलोड नहीं होते, साउंड ट्रैक प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सब चीज़ हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब से आप जब तक अपने फॉर्म में काम कर रहे हैं, जैसे जो भी वीडियो बनाएं उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आनी चाहिए जब लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपको जो कहा रेगुलरली, आप एक बार ना रिसर्च थोड़ा कीजिए कि कौन से हर एक टाइम में, अगर आपने सुबह एक बार कोई चीज़ पोस्ट किया है, अगर उसमें आपको अच्छा व्यूज़ नहीं आए, तो एक घंटा बाद आप पोस्ट करके देखिए कौन से टाइम में आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। उस टाइम को आप नोट करके रख दीजिए कि उस टाइम पे आपके व्यूज़ सबसे ज़्यादा आते हैं। और उसमें जैसे मैंने कहा कि हैशटैग ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, लिमिटेड हैशटैग यूज़ कीजिए, और कैमरे के एंगल्स को, या आप अगर किसी दूसरे कंटेंट में अपना साउंड लगा के, जैसे हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं वैसे कर रहे हैं, तो लिप रीडिंग सही से हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। एक दो बार खुद बना के एक बार देख के, उसके बाद फाइनली करने से पहले एक दो बार खुद चेक कर लीजिए, उसके बाद फाइनली उसको अपलोड कीजिए। और दूसरी बात, जब भी आप वीडियोस बनाने के बाद उसको YT स्टूडियो में आप एक बार एडिटिंग सेक्शन में आप जाके एडिट करके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ को, सारे जितने टाइटल्स, सारे जितने हैशटैग आपने वीडियोस में लगाए हैं वो वहाँ पे भी दीजिए। और वहाँ पे YT स्टूडियो में जब आप एडिटिंग सेक्शन में अपने जो वीडियो है उसके ऊपर जो वो पेन जैसे बना रहता है ना, उसमें आप क्लिक करते हैं तो वो एडिटिंग सेक्शन आ जाता है। उसमें नीचे आप देखिएगा टैग लिखा हुआ रहता है, टैग शॉर्ट की, वहाँ पे जाके आप ज़रूर उस टॉपिक को मेंशन कीजिएगा जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं। नीचे वो दिया रहता है कॉमेडी है कि टेक्निकल है कि ट्रेवल्स रिलेटेड है, वहाँ पर टॉपिक मेंशन कीजिएगा। और कुछ टैग्स यूज, जैसे मैं ज़्यादातर वीडियोस मेरे कॉमेडी में होता है तो मैं वहाँ पे कुछ टैग्स यूज़ करती हूँ, जैसे कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी शो एक्सेट्रा। ऐसे ज़्यादा मैं हैशटैग और टैग्स यूज़ नहीं करती हूँ, कम से कम इसको जॉइंट कीजिए। इससे क्या होता है ना कि यूट्यूब को भी ये सब जो भेजने में थोड़ा दिक्कत होती है कि इतने सारे हैशटैग वो उसके ऊपर रिलेटेड है भी नहीं, हमें पता नहीं रहता है, हैशटैग के बाद हैशटैग हम लगाते रहते हैं, इतना हैशटैग की यूज़ मत कीजिए। और एक टाइम आप हमेशा एक पहले तो एक दो बार आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कीजिए कौन से टाइम पे आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़, क्योंकि सबके वीडियोज़ का एक टाइम रहता है कि किसी के सुबह सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, किसी के दोपहर में, ऐसे। तो ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 बजे की अगर कोई भी कॉमेडी रिलेटेड कोई वीडियोस अगर आप अपलोड कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि वो 10:30-11 बजे, ऐसे जिस टाइम पे लोग थोड़ा से फ्री होते हैं उस टाइम पे अपलोड कीजिए उस वीडियोस को, तो उन्हें भी थोड़ा टाइम है, तभी ना देखें कोई ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते तो मोबाइल देखेंगे नहीं।
तो उस तरह से थोड़ा अपने वीडियोस में इस चीज़ के ऊपर अपने दिमाग लगाइए और उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कीजिए कौन से टाइम पे आपके सबसे ज़्यादा वीडियोस में व्यूज़ आए। अगर किसी वीडियोस में आप जिस टाइम पे किए वहाँ पर 10-12 व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद एक डेढ़ घंटे के बाद अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें देखिए कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा धीरे धीरे और आप उसको आपको वो भी पता चल जाएगा कि कितने बजे आप कौन से वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो दिन में 2 से 3 वीडियो शॉर्ट्स अगर कर रहे हैं तो 2 से 3 वीडियो ज़रूर डालें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जैसे मेरे भी अभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो जैसे व्यूज़ आए हैं, सब्सक्रिप्शन भी मिला है, आपका भी वो जनरेट होगा। तो मैं ये वीडियो में ना इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरे किस हद तक व्यूज़ डाउन हो गया था। तो आप ये देखिए, मैं ये आपको वीडियोस में भी डाल दूँगी जहाँ पे आप सही से थोड़ा देख पाएंगे कि वे व्यूज़ किस हद तक नीचे गिर गया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको कैसे फिर अपनी जगह में थोड़ा मैनेज कर पाई हूँ। और उसके साथ हमारे पब्लिक तो है ही, दर्शक ज़रूर देखते, वरना ये व्यूज़ कहाँ से आते हैं और हमारे ये चैनल ग्रो कैसे करता है। मुझे अपने जो दर्शक है उन पे मुझे पूरा फेथ है। जो चीज़ अब देखिए, जब हम लोग भी मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जो पसंद होता है हम उसे ही देखते हैं, जो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है उसे हम लोग देखते भी नहीं है, ख़रीदते भी नहीं। इसका मतलब क्या, वो हम गलत हैं? नहीं, वैसे ही पब्लिक को भी जो पसंद होगा वो वही देखेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट जताएंगे। उसके लिए हम उन्हें कभी ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही यूट्यूब चैनल को कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जितना हम कर सकते वो हम करेंगे, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल ये चैनल ग्रो करेगा और हम भी अपने एक स्टेबल जगह में रुकेंगे। तो अपने वीडियोस पे थोड़ा आप रिसर्च कीजिए, ये सोचने के बजाय कि मेरे चैनल फ्रीज़ हो गया, इस पर ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, उससे अच्छा कि आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि टाइम कौन से पकड़िए, हैशटैग कम से कम यूज़ कीजिए, कैमरे के एंगल को सही कीजिए, टॉपिक सही चुनिए, एक्सप्रेशन सही से दीजिए। और जो चीज़ है कि अगर आप कंटिन्यू अगर आप देख रहे हो कि आप जिस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हो उसमें अगर व्यूज़ बिल्कुल भी पहले आ रहे थे अभी नहीं आ रहे, बढ़ नहीं रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा उस टॉपिक से हटके एक दो वीडियोस थोड़े अलग चीज़ के ऊपर बना के आप देखिए। यूट्यूब के एक नेगेटिव मैसेज आता है जो जिसके थ्रू वो फिर ये सबके पास भेज के ये देखने की कोशिश करता है कि इस वीडियो का कितना, मतलब इसका कितना व्यू जनरेट होता है या पब्लिक कितना उसे पसंद करती है। तो उस हिसाब से भी एक बार आपकी ये वीडियोस और आपका चैनल किसी के पास जाने के बाद हो सकता है कि वो आपका चैनल को सर्च करके फिर आपके सारे वीडियोस देखते रहे। तो जहाँ तक मैंने अपने वीडियोस के ऊपर रिसर्च किया, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं आप लोग मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती हूँ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को हेल्प कर पाई हूँ, आगे भी मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, इसके लिए आप भी मुझे थोड़ा फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे हो। तो आपका दिन शुभ हो, आगे कुछ और वीडियोस लेके मैं ज़रूर आपके पास आऊँगी। थैंक यू, बाय।